मोहल्ला से मकान खाली कराने के मामले में आया नया मोड़। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि समाज के कुछ ही पूछे लोग इस मामले को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि उक्त मकान उनके रिश्तेदारों द्वारा उक्त महिला को रहने के लिए दिया गया, लेकिन बाद में उक्त बुजुर्ग महिला के बच्चों की नीयत उस मकान पर बिगड़ गई और उस पर कब्जा करने की फिराक में रहने लगे, जिसके बाद उन्होंने उस मकान को खाली कराने की कोशिश की। इसी बीच समाज के कुछ ऊँचे होने वाले लोगों ने उक्त महिला को बढ़ाना शुरू कर दिया और कहा कि वह मकान खाली ना करे और उसे उसी जगह पर कूटी दिलवा देंगे। वहीं मकान मालिक का कहना है कि उसके पास उस जगह के पूरे कागज मौजूद हैं, इसकी कॉपी वह कोतवाली में जमा कर चुका है, लेकिन फिर भी समाज के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है सलीम उल्ला खान। कहाँ रहते हैं आप? मैं कर्नलगंज। बताएं, ये पूरा मामला है क्या? ये मामला भाई साहब, ये है हमारी पैतृक जगह है और ये हमारी बुआ है मुन्नी बाई, इस पे ये शाहरुख खान जो है जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जगह पे, घर पे। हाँ, थोड़ी सी जगह है जबकि वो खंडर है पूरी तरीके से, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पे कब्जा कर लें। और कुछ समाज सेवक जो है उनको हवा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारा मकान बनवा देंगे, हम कुटी दिलवा देंगे, हम मकान बनवा देंगे। अरे जब कागज सब हमारे नाम पे, हमारी ये बुआ के नाम पे है, तो कैसे वो बना लेगा भाई साहब? कौन समाज सेवी हैं जो साथ दे रहे हैं? ये हैं, एक हैं कर्नलगंज में रहते हैं जाकिर भाई बावड़ी, बावड़ी वाले, वो समाज सेवक हैं। वो मैं उनको यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जब आप समाज सेवा कर रहे हो तो सच का साथ दो, झूठ का साथ मत दो, इसमें तुम्हारी भी छवि खराब होगी और पार्टी की भी छवि खराब होगी। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई वो शाहरुख की दादी है, शाहरुख सामने पक्के मकान में रहता, अपनी दादी को वहां रख ले। नहीं तो दादी इस तो आपके मकान में क्यों रह रही थी, क्या बात है? ये तो बहुत दिन से हमारे बड़े गुरु ने कहा था, वो अकेली थी, हैं भैया हमको दे दो थोड़ा से रहने की जगह, टपरिया डाल के रह रही, टपरिया देख लो आप, टपरिया है, हैं। उनका लड़का टिल्लू वो दिन भर नशे में रहता है, दारू पीता है, हैं, और वो जो है गाली गलौज करते रहता है। कितने वर्षों तक रही वो इसमें? ये ज्यादा से ज्यादा जो है 15-20 साल से, तब से रह रही। नपीस, करीबन कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र होगी 70-80 के लगभग। तो आप लोगों ने रहने के लिए उन्हें जगह दी थी, उस जगह पे वो लोग कब्जा करने लगे हैं? कब्जे के, हाँ बस कब्जा कर रहे हैं। कौन है आपके परिवार है? नहीं नहीं, हमारे कोई परिवार के नहीं। तो फिर आप जगह कैसे रहने दी? ये क्या था, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा थे, उनके सामने हाथ जोड़ के भाई साहब थोड़ी सी रहने, चबूतरा था यहाँ पे, चबूतरा जी, चबूतरे से फिर वो थोड़ा अंदर घुसे, फिर थोड़ा अंदर घुसे, ऐसा करते करते अब वो पूरी नीयत ये खराब है उनकी कि हम इनकी जगह पे कब्जा कर लें। किसका नाम पे प्लाट ये? ये प्लाट हमारी दादी के नाम पे, जमीला बेगम, ये उनकी लड़की है मुन्नी भाई और हबीबुल्ला खान के, मैं पोता हूँ, ये हमारे बड़े भाई है, ये छोटे भाई के पोते नसरुल्ला खान के, ये जगह इनकी, ये पूरी प्रॉपर्टी, ये पूरी बाकर हमारी है। आपने कहाँ पे शिकायत की है? हमने सिटी कोतवाली में पूरे पेपर्स जमा कर दिए हैं। ठीक है। और टीआई साहब ने भी कहा था, बहुत अच्छा निर्णय लिया था, उमर भाई से कहा था कि उमर भाई बीच का रास्ता निकालो, तो उमर भाई ने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था बीच में? 8 तारीख से विवाद चालू है, अभी तक मसला हल नहीं हो रहा है, जबकि मसला हल रविवार को हो जाता, लेकिन ये कुछ जो समाज कार्यकर्ता हैं वो मसले को हल होने नहीं दे रहे हैं। जबकि उमर भाई ने इतना कहा था कि जब तक ये बुड्ढी जिंदा है तब तक इसी मोहल्ले में 1,800 रुपए का पक्का कमरा दिला के वो मैं दूंगा और उसका किराया मैं भरूंगा, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया था टीआई साहब के सामने। ठीक।